गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ सुशील कुमार सिंह, पीजीटी केमिस्ट्री। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड द फर्स्ट कंपाउंड्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज द फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, दैट इज द PCl3। यदि मैं PCl3 की बात करता हूँ, फर्स्ट कंपाउंड विच आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इज द PCl3। इसमें मैं फास्फोरस की बात करता हूँ तो PCl3 में फास्फोरस की बात करता हूँ तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, यानी चार्ज क्या है, +3। हम इसके फास्फोरस की PCl3 की प्रिपरेशन की बात करने जा रहा हूँ। इसे हम PCl3 के प्रिपरेशन में क्या है, हमने P4 लेते हैं और P4 को हम रिएक्शंस कराते हैं, यानी कि फास्फोरस जो है वाइट फास्फोरस है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 इज कॉल्ड अवर थायोनिल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थायोनिल क्लोराइड है और दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। डायरेक्ट एजिटिव ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था नीट में, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड का। तो द फार्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2, द फार्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2 एंड द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड इज SO2Cl2। तो हमारा जो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है ये PCl3 बनाने में यूज़ होता है, और मैं अभी आगे फिर मैं बताऊंगा SO2Cl2 यानी कि जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है वो PCl5 बनाने में यूज होगा। तो पहला सिस्टम है P4 प्लस SOCl2, SOCl2 का मतलब थायोनिल क्लोराइड, यहाँ क्या बनेगा PCl3, तो 4 PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस S2Cl2 और SO2, इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर लेंगे। दूसरा जो मेरा मेथड है यह है लेबोरेटरी मेथड। दूसरा जो मेरा क्या है, लेबोरेटरी मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फास्फोरस को रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, डायरेक्ट बना रहा 4 PCl3। एक बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो इस फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ में जो आ रहे हैं, इस फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ में सब हम PCl3 का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जब हम PCl3 का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, एक चीज़ आपको देखना है कि बन रहा है कि ऑक्सा एसिड, जैसे S3PO3 इज़ और ऑक्सा एसिड। बट यहाँ आपको ध्यान ये देखना है कि जो यहाँ पे फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सा एसिड बन रही है उस पर भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे PCl3 की हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो फास्फोरस पे क्या ऑक्सीडेशन है, +3। तो यहाँ पे भी देखोगे फास्फोरस पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, 3 - 2 - 6, 6 - 3 - 3 और प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, है ना, ये होगा ना, +3 + x - 6 = 0, देन x - 3 = 0, देन x = 3, है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर, सेम रहेगा। सेम सिस्टम में आगे फिर से बताऊँगा, यदि यहाँ पे PCl5 लेता तो यहाँ बनता है S3PO4। अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये दोनों रिएक्शन बड़ी आसान है, फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन रिपीट होगी। C2H5OH PCl3 से रिएक्ट करके C2H5Cl प्लस S3PO3 बनाएगा, और CH3COH ये हमारा बनाएगा CH3COCl और POCl3 करके बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टम हम बात करें, नेक्स्ट जो कंपाउंड की बात करें, फास्फोरस, ये मेरा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड था। अब हम बात करने जा रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, हम बात कर रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने बताया था PCl3 किससे बनता है, थायोनिल क्लोराइड से फास्फोरस पे रिएक्ट करा के, ये यहाँ पे सल्फ्यूरिल क्लोराइड फास्फोरस पर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, PCl5+, ठीक है, निकल जाएगा। इसके स्ट्रक्चर को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, है ना। लेकिन ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसका, PCl5 का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ गैसियस फेज में, ये जो स्ट्रक्चर मेरा है PCl5 का, ये मेरा PCl5 का स्ट्रक्चर गैसियस फेज में होता है। सॉलिड फेज में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में जो PCl5 है ये एग्जिस्ट करता है PCl4+ PCl6-, इन द सॉलिड फॉर्म PCl5 पे जो एग्जिस्ट है ये PCl4+ और PCl6-, यानी कि सॉलिड स्टेट में दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सॉलिड स्टेट में दो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है फास्फोरस। एक कंपाउंड है PCl4+ फॉर्म में है, दूसरा PCl6- फॉर्म में है। तो एक का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, दूसरे का है sp3d2, यानी कि यहाँ टेट्राहेड्रल है और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। जबकि इसी में जो PCl5 है मेरा, PCl4+ और PCl6, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। और दूसरा जो मेरा सिस्टम है, मैं PBr5 की बात करता हूँ, PBr5 जो मेरा है ये जो सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PBr4+
और Br- माइनस में, इसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट मैं रिएक्शंस करा रहा हूँ, रिएक्शंस भी थे मेटल, रिएक्शंस भी थे मेटल। यदि मेरा फास्फोरस, रिएक्शंस भी थे मेटल, ये जो मेरा PCl5 है, ये कॉपर से रिएक्ट करके बनाता है 2CuCl प्लस PCl3। हीटिंग इफेक्ट, PCl जैसे मैं हीट करूँगा तो PCl3 जैसे मैं हीट करता हूँ तो टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में, PCl3 प्लस Cl2 में। हमने बताया था कि जो एक्सियल वाले होंगे भाई, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्या है स्ट्रक्चर आपने बनाया था, कैसे बनाया था इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, ऐसे आपने स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे फास्फोरस था, दिस सी एल, तो ये जो एक्सियल वाले हैं, एक्सियल वाले टूट जाएंगे क्योंकि होता क्या है, इक्वेटोरियल वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो पी सी एल थ्री सॉलिड प्लस सी एल टू गैस में निकल जाएगा। सेम सिस्टम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, हमने पी सी एल थ्री का हाइड्रोलिसिस किया था, पी सी एल थ्री का हाइड्रोलिसिस में, सॉरी ये पी सी एल फाइव है, हमने पी सी एल फाइव का मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा एक्सेस में, तो वहाँ पे क्या बन रहा था एच थ्री पी ओ थ्री और यहाँ पे क्या बन रहा है एच थ्री पी ओ थ्री, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस फाइव। एच वहाँ पे पी सी एल थ्री क्या बना रहा था, पी सी एल थ्री आपका बना रहा था एच थ्री पी ओ थ्री, तो क्योंकि पी सी एल थ्री थ्री पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट था, एच थ्री पी ओ थ्री में भी फास्फोरस पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जबकि यहाँ पे पी सी एल फाइव में फास्फोरस पे प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप देखोगे एच थ्री पी ओ फोर में भी क्या है प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट सिस्टम हम बात करें पी सी एल फाइव, ठीक है ये मैं एक्सेस में नहीं ले रहा हूँ, तो ये क्या बनाता है पी ओ सी एल थ्री प्लस पी ओ सी एल थ्री प्लस टू एच सी एल। पी सी एल थ्री का रिएक्शन जो मैंने पीछे दिखाया उसी रिएक्शन को मैं बात कर रहा हूँ। फिर आते हैं हम फास्फोरस एसिड्स, हमने लिखा है फास्फोरस एसिड सीरीज, यहाँ पर डिस्कस करते हैं फास्फोरस एसिड सीरीज में क्या है। ये जो मेरी दिस इज अवर कार्ड फास्फोरस एसिड, एच थ्री पी ओ थ्री कार्ड और फास्फोरस एसिड, इससे मैं एक ऑक्सीजन को निकाल लेता हूँ तो कन्वर्ट हो जाएगा एच थ्री पी ओ थ्री में से मैंने एक ऑक्सीजन को निकाल लिया, देन इट कन्वर्टेड इनटू द एच थ्री पी ओ टू, तो इसे हम क्या कहते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड। ये मेरा फास्फोरस एसिड है, इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन को निकाल लिया तो कन्वर्ट हो जाएगा H3PO2। याद करने का एक तरीका है हाइपोफास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होगा H3PO2। इस H3PO3 को पूरे कंपाउंड में दो से मल्टीप्लाई करके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H4P2O6, दैट इज कॉल्ड अवर पाइरोफास्फोरस एसिड। इसे मैं दो से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा H6P2O6 माइनस H2O, तो H4P2O5, ये क्या कहलाएगा हाइपोफास्फोरस एसिड। बनाने का इसका तरीका क्या है, ये हमने दो मॉलिक्यूल बनाए हुआ फास्फोरस एसिड का, एंड दो फास्फोरस एसिड मॉलिक्यूल्स में से H2O मैंने निकाल दिया, तो जैसे ही H2O को निकालेंगे मैंने नीचे करके दिखाया हुआ, देखिए ये मेरे क्या है हाइपोफास्फोरस एसिड H2O, तो H2O मॉलिक्यूल में तो पी डबल बॉन्ड OH, इससे मेरा ये जुड़ फिर O के थ्रू जुड़ेगा लाइक दैट, तो ये मेरा क्या कहलाएगा आर्थोफास्फोरस एसिड। मतलब इसका मुझे बनाना हो तो बन के कैसे आएगा, देखिए मैं बनाता हूँ, इसे मुझे बनाना हो तो कैसे बन के आएगा, ये मेरा P डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे HOP डबल बॉन्ड OH और H है ना, यही है ना, यही चीज़ मैं लिखूँगा तो क्या हो जाएगा H4P2O5 पाइरोफास्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर है हाइपोफास्फोरस एसिड का मतलब ये क्या हुआ H3PO2। अच्छा H3PO2 की इसकी पूछी जाए इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, ये केवल हाइड्रोजन निकलेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी 1। फिर मैं बात कर रहा हूँ फास्फोरस एसिड की, तो क्या है H3, इसका हो जाएगा H3PO3, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। स्ट्रक्चर ऐसे होगा इसका, सेल सिस्टम आर्थोफास्फोरिक एसिड का H3PO4, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पहले से भी केमिकल बॉन्डिंग में आता होगा, बट यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की, तो फास्फोरिक एसिड जो मेरा होता है H3PO4, this is called phosphoric acid। इस फास्फोरिक एसिड में से हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं तो बन जाता है H3PO3 आपको पता है क्या है फास्फोरस एसिड है, इसमें से मैंने H2O निकाल लिया तो ये बन जाता है मेटाफास्फोरिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है HPO3 में, इसे कहते हैं मेटाफास्फोरिक एसिड। H2
HPO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे कहते हैं मेटाफॉस्फोरस। इसको दो से मल्टीप्लाई करके उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो कन्वर्ट होगा H4P2O7, जो मेरा कहलाता है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, मेरा कहलाता है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका फिर वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे हमने वहाँ पे बनाया था। ये मेरा क्या है H3PO4 है, H3PO4, ये भी H3PO4 है। इसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, किसी से भी एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकाल लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, स्ट्रक्चर यही बन के आएगा, दैट इज कॉल्ड पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो मेरा मेटाफॉस्फोरिक एसिड आपने बनाया हुआ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक एग्जिस्ट करता है ट्राइमेरिक फॉर्म में और दूसरा एग्जिस्ट करता है चेन फॉर्म में। एक एग्जिस्ट करता है मेरा ट्राइमेरिक फॉर्म में और दूसरा मेरा एग्जिस्ट करता है चेन फॉर्म में। जैसे मैंने बात की हुई है एक ट्राइमेरिक फॉर्म है और एक दूसरा मेरा क्या है चेयर फॉर्म है। जैसे मैं ट्राइमेरिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है मेटाफॉस्फोरिक एसिड्स, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड जैसे HPO3 है एक ट्राइमेरिक फॉर्म है और दूसरा क्या चेन फॉर्म है। चेन फॉर्म में एक ट्राइमेरिक चेन फॉर्म में जैसे चेन होती है, चेन बनती जाएगी, और ट्राइमेरिक फॉर्म में मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूँ कैसे बनेगा। जैसे चेन फॉर्म का है तो चेन फॉर्म में क्या है, ये हमारा जैसे पी डबल बॉन्ड ओ HPO3 है, स्ट्रक्चर के HPO3 तो पी डबल बॉन्ड ओ OH, एक इधर से ये चेन ऐसे लगती चली जाएगी, दूसरा ये ओ से दूसरा फिर मॉलिक्यूल लिंक होगा पी डबल बॉन्ड ओ OH, फिर ओ से पी डबल, ऐसे मेरे इनफाइनाइट नंबर आप नंबर्स आप चेन मेरी है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ HPO2 मॉलिक्यूल्स जॉइंट बाई जॉइंट लाइक दैट, और पी और पी के बीच में हमारा क्या होगा एक पहले फास्फोरस और दूसरे फास्फोरस के बीच में क्या होगा ओ से जुड़ा होगा, दोनों किससे जुड़े होंगे ओ से जुड़े होंगे। ये मेरा चेन फॉर्म है। और ट्राइमेरिक फॉर्म का सिस्टम क्या है, ट्राइमेरिक में हमारे ट्राइमेरिक जो मेरा फॉर्म होगा ये देखिएगा पी डबल बॉन्ड ओ OH, फिर एक ऑक्सीजन से जुड़ा ओ, फिर दूसरा पी डबल बॉन्ड OH, फिर ओ, फिर पी डबल बॉन्ड OH लाइक दैट। या आप क्या करोगे आप बना लो H2 ये पी डबल बॉन्ड ओ OH पी डबल बॉन्ड ओ OH, फिर आप तीन ऐसे लिखो पी डबल बॉन्ड ओ OH, फिर पी डबल बॉन्ड ओ OH। तब हर क्या करोगे यहाँ से सबसे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकाल दो तो इसमें कन्वर्ट हो जाए। नहीं आप समझ पाएगा कैसे लिखो, आप तीन आप ऐसे बनाओ, एक तो तरीका क्या रहा पी ओ ऐसे बनाओ पी ओ फिर पी उसके बाद ओ पी है ना ओ पी ऐसे करके डबल बॉन्ड ओ फास्फोरस से डबल बॉन्ड ओ या फास्फोरस से डबल बॉन्ड ओ। इसके बाद आप क्या करोगे ये डबल बॉन्ड और उसके बाद क्या करोगे आप एक ओ एच फिर इससे एक ओ एच और इससे एक ओ एच। एक तो ये तरीका रहा बनाने का, या नहीं बना पा रहे हैं आप बेटर है बनाना ही है तो पी डबल बॉन्ड ओ OH फिर पी डबल बॉन्ड ओ ये पी डबल बॉन्ड ओ OH पी डबल बॉन्ड ओ OH और इसमें से क्या करो एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड ट्राइमेरिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ट्राइमेरिक फॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं जो H3PO2 मेरा H3PO3 है, H3PO3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम देते हैं, द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन H3PO3 चेंज होता है H3PO4 प्लस PS3, यहाँ पर प्लस 3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 और माइनस 3 है, तो है ना यानी कि यहाँ पे जो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पर और यहाँ से क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एटम का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है एक बार रिडक्शन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें पीएच बॉन्ड पाया जाएगा, जिसमें क्या हो पीएच बॉन्ड पाया जाए, ऐसे एलिमेंट जिसमें जैसे एलिमेंट मतलब हाइड्राइड बॉन्ड, खासकर मैं फास्फोरस एसिड की बात कर रहा हूँ, इसमें आप देखिएगा जिसमें पीएच बॉन्ड पाया जा रहा हो और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ना शो कर रहा हो कम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा हो, ऐसा मेरा जो है जिसमें भी ऐसा फास्फोरस कंटेनिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा। जैसे कह द एसिड्स ऑफ ए फास्फोरिक एसिड विच है प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड है पीएच बॉन्ड शो द डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है भी पीएच बॉन्ड शो ये गुड। अच्छा जिन के बीच में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पीएच बॉन्ड होगा जिसमें पी और एच बॉन्ड होगा वो क्या होगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
हमने दूसरी रिएक्शन की बात करना, जैसे AgNO3 है, H3PO2 प्लस H2, इसमें भी pH बॉन्ड होगा तो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। देखिएगा AgNO3 में, देखेंगे अगर AgNO3 में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, इसको रिड्यूस कर दिया किस में, 0 में। HgCl2 सेम यहाँ भी 0 पर आ जाएगा। Hg2Cl2 ये क्या है, मर्क्यूरस है, तो Hg2Cl2 यानी कि +1 कन्वर्ट हो गया 0 में, है ना। तो मेरी बात समझ पाई कि नहीं, तो जिसमें भी, क्योंकि H3PO2 यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, H3PO2, तो H3PO2 यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पर यहाँ पे pH बॉन्ड है, तो pH बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेम सिस्टम में हम बात कर रहे हैं एक और, मैं H3PO3 को पहले से जैसे मैं हीट करूँगा तो H3PO2 किस में कन्वर्ट होगा, H4P2O7 में। कैसे, मैं बना के बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा पी, है ना, डबल पी डबल बॉन्ड हो, है ना, OH, दिस इज द स्ट्रक्चर आप H3PO4। सेम ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे आप, पी डबल बॉन्ड हो, OH। अब इसमें से क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो ऐसे, तो हमने वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकाल दिया। तो जैसे ही इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा पी डबल बॉन्ड हो, OH, ओ पी डबल बॉन्ड हो, OH। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो क्या हो गया H4, है ना, क्या हो गया H4, तो भी कितने फास्फोरस, P2, 1, 2, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो H4P2O7। दिस इज अवर कार्ड पायरोफास्फोरिक एसिड, इस पायरोफास्फोरिक एसिड को फिर हीट करेंगे तो मेरा कन्वर्ट होता है HPO3। HPO3 इज कॉल्ड लेवल मेटाफास्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड मेटाफास्फोरिक एसिड। और ये मेटाफास्फोरिक एसिड अगेन दो स्ट्रक्चर में शो एग्जिस्ट करता है, एक मेरा चेन फॉर्म है और दूसरा मेरा क्या है, साइक्लिक फॉर्म है। एक मेरा चेन फॉर्म है, दूसरा मेरा साइक्लिक फॉर्म, इसे मैंने पहले डिस्कस किया था। यहाँ पे आके हमारा नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट होता है, मैंने नाइट्रोजन फैमिली मेरा कंप्लीट होता है। सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड को डिस्कस किया, या मैंने फास्फोरस से रिलेटेड दो कंपाउंड को डिस्कस किया, PCl3 और PCl5, और इससे पहले मैंने डिस्कस किया हुआ था फास्फीन। होप दैट ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस नाइट्रोजन फैमिलीज लेक्चर, एंड आफ्टर दैट यानी कि आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू दिस वन विथ ये ऑक्सीजन फैमिली। ओके, थैंक यू।